राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत। हम प्रोफेसर संध्या जी, अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्षा, शिक्षा संकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। आज हमारी चर्चा का विषय है विद्यालय में नेतृत्व के प्रकार। विद्यालय में नेतृत्व के प्रकार अर्थात एक विद्यालय में नेतृत्व की क्या भूमिका होती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि एक विद्यालय की नेतृत्व टीम विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाने की प्रेरणा शक्ति हो सकती है जो प्रभावी शिक्षण और सफल छात्र परिणामों को प्राप्त करने को प्रोत्साहित करती हो। यह भी कहा जाता है कि एक पेशेवर और सांस्कृतिक रूप से विविध और अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध नेतृत्व टीम अपने सामूहिक कौशल और अनुभव के द्वारा यह सुनिश्चित कर सकती है कि माता पिता और विद्यार्थी एक उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए सशक्त महसूस करें, और इसके साथ साथ नेतृत्व टीम अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री और आकर्षक एवं उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए सहारा देती है। अर्थात विद्यालय से जुड़ी ही बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करती हैं। नेतृत्व का तात्पर्य सिर्फ किसी एक विशेष दिशा में कार्य करना नहीं, लेकिन नेतृत्व का जो कौशल है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है, और उस दायरे के अंतर्गत जो भी विद्यालय का परिणाम होना है अर्थात माता पिता कैसा अनुभव करते हैं अपने विद्यार्थियों और अपने बच्चों को लेकर कि उसने इस अमुक विद्यालय में अपने बच्चे का जो भी दाखिला कराया है तो वो सही है उनका ये निर्णय या नहीं सही है, तो जो नेतृत्व क्षमता है किसी भी विद्यालय की उस पर जो बच्चों का उपलब्धि है वो भी निर्भर करती है। साथ में अध्यापक कैसी शिक्षण प्रशिक्षण विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी, वो भी सारी शिक्षण विधियां प्रविधियां नेतृत्व पर निर्भर करती हैं। साथ में जो शिक्षक हैं वो कितना रुचिपूर्ण ढंग से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, कर रहे हैं और करते हैं, यह भी नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करता है। इस प्रकार एक जो विद्यालय की सफलता है उसका एक कारण सकारात्मक रवैये वाली अनुभवी प्रधानाध्यापक से होता है जो स्कूल को एक ऐसा वातावरण बनाता है जिससे स्टाफ के सदस्यों और प्रशासन के बीच और स्टाफ के सदस्यों और विद्यार्थियों के बीच सहयोग और वार्तालाप को प्रोत्साहन देता है। एक अच्छा प्रधानाध्यापक इस तथ्य को महत्व देता है कि स्कूल में अधिगम की गुणवत्ता हो और बच्चों को गुणवत्ता स्तर की शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध हो। अर्थात जो नेतृत्व है विद्यालय में, नेतृत्व से मतलब नेतृत्वकर्ता, और नेतृत्वकर्ता से तात्पर्य विद्यालय के प्रधानाचार्य, और विद्यालय के प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य स्कूल को एक ऐसा वातावरण देना जिससे कि जो भी स्कूल या विद्यालय है उससे संबंधित जो भी अलग अलग सदस्य हैं उनके बीच में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वार्तालाप स्थापित हो सके और उनके अंदर सहयोग की भावना हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो प्रधानाध्यापक के नेतृत्व के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि अभी हम लोग ने आखिर में देखा कि स्कूल में अधिगम की गुणवत्ता हो, अर्थात हम विद्यार्थियों को कैसे अधिगम युक्त बनाएं, इस पर यह चीज़ भी नेतृत्व पर ही निर्भर करती है कि किस प्रकार का नेतृत्व उस अमुक विद्यालय में दिया जा रहा है। प्रधानाध्यापक प्रभावी विद्यालय हेतु सहभागिता का भी नेतृत्व करता है। इसके अंतर्गत वह विद्यालय परिवारों और अपेक्षाकृत बड़े समुदाय से जुड़े क्रियाकलापों के संबंध में सहकर्मियों, माता पिता, अभिभावक और महत्वपूर्ण वयस्क व्यक्तियों के सहयोग से कार्य करता है। वह अधिक से अधिक पैतृक और सामुदायिक सहभागिता के लिए अवसर सृजित करता है ताकि माता पिता और समुदाय के अनदेखे अथवा उदासीन दृष्टिकोण के कारण विद्यालय में किए गए प्रयास व्यर्थ न जाएं। विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्रभावी और स्थायी परिवर्तन हेतु संसाधनों की सुविधा भी प्रदान करता है। अर्थात जो हमारी नेतृत्व क्षमता है किसी भी विद्यालय की, उसके अंतर्गत जो प्रधानाध्यापक की भूमिका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके अंतर्गत उसका जो मुख्य कार्य है, कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा समुदाय है, जो अभिभावक है, वो बच्चे के प्रति थोड़ा उदासीन दृष्टिकोण रख रहे हैं, और जो विद्यालय है वो कोशिश कर रहा है कि जो बच्चा है पर्टिकुलर
उसके लिए कुछ काम किया जाए, जिसके लिए वो कई सारे उदाहरणों को, कई सारी शिक्षण विधियों को और वातावरण को रुचिपूर्वक बनाते हुए प्रयास करता है। तो जो प्रधानाध्यापक है वो अपनी नेतृत्व क्षमता में ये भी देखता है कि जो मैं अपनी क्षमता के अनुसार जो प्रयास बच्चे को रुचिपूर्वक वातावरण में अधिगम देने के लिए कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तो इन सब की जांच करना भी नेतृत्व में ही आता है। नेतृत्व के अंतर्गत स्कूल अर्थात विद्यालय और विद्यालय के सभी क्षेत्र से उच्चतम संभव मानक और उपलब्धियों को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित होता है। वह चिंतनशील और आत्म विवेचनात्मक होता है। विद्यालय के भविष्य की स्पष्ट दृष्टि रखता है, जिससे अनुयायियों को यह पता रहे कि उनमें क्या करने की उम्मीद रखी जाती है। लगभग सभी शैक्षिक सुधार की रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राष्ट्र प्रभावी विद्यालयी नेतृत्व के बिना शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकता। विद्यालय के अंदर जो नेतृत्व है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि निर्देशात्मक नेतृत्व। निर्देशात्मक नेतृत्व से तात्पर्य कक्षा में प्रभावी रूप से कैसे काम करें और इस पर समझ बनाने को लेकर काम किया जाता है। प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष का अवलोकन करना, शिक्षक को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना और उससे लेना, शिक्षक के साथ मिलकर पाठ योजना बनाना इत्यादि काम आते हैं। अपनी टीम को लीड करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास संबंधित विषय का मूल ज्ञान होना चाहिए, उसे नई विधियों और शोधों से भी परिचित होना चाहिए। अर्थात जो निर्देशात्मक नेतृत्व है वह पूर्ण रूप से जो भी अधिगम है उसको हम बच्चों के अंदर कैसे बढ़ावा देंगे कि वो चीज़ों को जल्दी सीखें, इसलिए जो निर्देशात्मक नेतृत्व है वो शिक्षक के साथ मिलकर प्रधानाध्यापक उसको स्थापित करता है और ऐसा करने के लिए वह स्वयं भी पाठ योजना बनाने और उनको क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से जो नेतृत्व है वो व्यक्तिक नेतृत्व भी होता है इसका एक प्रकार। इसमें प्रधानाध्यापक के साथ इस तरह काम किया जाता है कि वह बिना किसी प्रकार की सत्ता का इस्तेमाल किए हुए अपनी टीम को लक्ष्य हासिल करने के काबिल बना सके। प्रधानाध्यापक टीम से जो करवाना चाहता है उसके लिए रोल मॉडल बने, यानी कि उसका अनुकरणीय व्यक्ति बनकर दिखाए। प्रधानाध्यापक को उनकी जिम्मेदारी से जुड़े नैतिक मूल्यों को समझना एवं व्यवहार में लाना होता है। उसको धैर्य से सुनने की क्षमता, परिश्रम, पहल करना एवं दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना जैसे मूल्य अपने व्यवहार में लाने होते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यक्तिक नेतृत्व है वह मुख्यतः व्यक्ति विशेष से जुड़ा है और यहाँ पर जो व्यक्ति विशेष है जिसे नेतृत्व करना है वो है आपका प्रधानाध्यापक, और प्रधानाध्यापक की नैतिक जिम्मेदारी अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा है। और प्रधानाध्यापक के जो नैतिक मूल्य हैं उसके अंतर्गत धैर्य और सुनने की क्षमता और खुद पहल करना और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना जैसे मूल्य आते हैं, और ये सारी जो विशेषताएं हैं वो प्रधानाध्यापक के अंदर होनी चाहिए, तभी वह व्यक्तिक नेतृत्व को प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार से एक है संस्थानगत नेतृत्व। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संस्थानगत अर्थात संस्था से जुड़ा हुआ नेतृत्व। इसमें विद्यालय के माहौल को बदलने को लेकर इस तरह काम किया जाता है कि बच्चों एवं शिक्षकों के लिए विद्यालय सीखने सिखाने का एक खुशनुमा माहौल दे पाए। विद्यालय में होने वाले बाल सभा, विद्यालय स्तरीय गतिविधियाँ, जिम्मेदारी, सब कुछ बच्चों एवं शिक्षकों के साथ मिलकर तय की जाती है। अर्थात संस्थानगत नेतृत्व से तात्पर्य एक ऐसा नेतृत्व जिसमें कि संस्था को उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के प्रति उस व्यक्ति विशेष अर्थात प्रधानाचार्य का नेतृत्व कैसा है। अगर प्रधानाचार्य अपने इस संस्थानगत नेतृत्व को अपनी व्यक्तित्व में रखेगा तभी वह समय समय पर विद्यालयों में बाल सभा और कुछ ऐसी गतिविधियां और जिम्मेदारियां निभाएगा जिससे कि जो संस्थान है वो दिन पर दिन प्रगति करे। इसी प्रकार से नेतृत्व का एक प्रकार है सामाजिक नेतृत्व। सामाजिक नेतृत्व से तात्पर्य ऐसे गुणों का विकास किया जाना
जो कि समुदाय और विद्यालय को जोड़ सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो विद्यालय है वो समाज का एक अंग है, जिसे कि हम मिनिएचर के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ पर जब सामाजिक नेतृत्व प्रदान किया जाता है तो उसमें प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है कि वह समुदाय को विद्यालय के साथ में कैसे जोड़े, जैसे विषय पर गहन मनन, अध्ययन और चिंतन करें। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ जैसे खेल, नाटक, रैली एवं बैठकों के माध्यम से सामाजिक नेतृत्व किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो एक नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व है शब्द, उसके अंतर्गत कई सारी विशेषताएं आती हैं। हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं कि प्रधानाध्यापक की मुख्य भूमिका नेतृत्वकर्ता की है, तो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हों, अर्थात जो प्रधानाचार्य है, जो नेतृत्व लेने करने वाला नेतृत्व करता है, वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उसकी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया ऐसी हो जो कि जो उसका उद्देश्य है उसको परिलक्षित करने वाली हो और उस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। जो नेतृत्व करता है उसके अंदर एक रणनीति की भावना होनी चाहिए कि हम चीज़ों को किस तरीके से क्रियान्वित करेंगे। साथ में वो सैद्धांतिक होना चाहिए, यानी कि उसको विद्यालय से जुड़ी हुई जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं उनसे पूर्णतः अनुभव होना चाहिए। नेतृत्वकर्ता के अंदर जुनून का एक गुण होना चाहिए। बिना जुनून के चीज़ों को हम रुचिपूर्वक तरीके से प्राप्त करने में असफल रहते हैं। नेतृत्वकर्ता के अंदर ईमानदारी का गुण होना चाहिए। जो उसका संप्रेषण है अर्थात जो संचार है वो प्रभावशाली होना चाहिए। उसके अंदर विनम्रता, प्रशंसा, सुनने जैसी क्षमताएं भी होनी चाहिए, तभी वह आसानी से किसी भी विद्यालय का नेतृत्व कर सकता है। जैसा कि हम इस क्षेत्र में देख पा रहे हैं कि नेतृत्वकर्ता का जो क्षेत्र है वो असीमित है। उसको समाज के साथ में, उसको शिक्षकों के साथ में और उसको विद्यार्थियों के साथ में और विद्यालय के अन्य जो स्टाफ गण हैं उनके साथ में एक संबंध स्थापित करना पड़ता है, और इस संबंध के साथ में ही वह अपनी नेतृत्व के गुण का इस्तेमाल करते हुए संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति में अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। नेतृत्व के बारे में अलग अलग शिक्षाविदों ने अपनी अपनी राय दी। लेथवुड और ड्यूक 1999 ने विद्यालय प्रमुख की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में अनुसंधान करते हुए कुछ विशेष क्षेत्रों की पहचान की, और ये क्षेत्र हैं अनुदेशात्मक भूमिका, परिवर्तनकारी भूमिका, नैतिक भूमिका, सहभागता परक भूमिका। जो ये अनुदेशनात्मक भूमिका है उसको हम संक्षिप्त रूप से समझ सकते हैं कि विद्यालय की उपलब्धि को बेहतर बनाने की दृष्टि से अध्यापकों के कार्यों को प्रभावित करना। अनुदेशनात्मक भूमिका से तात्पर्य कि कैसे बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ावा दिया जाए। नैतिक भूमिका के अंतर्गत सही और गलत की धारणाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूसरों को प्रभावित करना। जबकि सहभागिता परक भूमिका से तात्पर्य विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों को शामिल करना, और आकस्मिकता आधारित भूमिका से तात्पर्य अपने व्यवहार को स्थिति के अनुकूल बनाना। यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि जो नेतृत्व है उसके अंतर्गत जो नेतृत्व करता है, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो चाहे वो शिक्षक हो, उसको अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। नैतिक भूमिका, सहभागिता परक भूमिका, अनुदेशनात्मक भूमिका इत्यादि के रूप में। जो नेतृत्व है, अगर हम दोबारा से अनुदेशनात्मक नेतृत्व की बात करें तो इसको हम थोड़ा बृहत रूप में समझ सकते हैं कि प्रधानाध्यापक निर्णय लेने और अपने कार्यों को पूरा करने का एकमात्र स्रोत नहीं है। इसमें अध्यापकों की भी भूमिका होती है, क्योंकि अध्यापक अपनी विशेषज्ञता एवं सूचना की दृष्टि से पूरी तरीके से सशक्त हैं, और हम कह सकते हैं कि वो सशक्त हो चुके हैं। नेतृत्व को अध्यापकों के आपसी सहयोग और उनसे समन्वय स्थापित करके लागू किया जा सकता है, जिससे कि जो बच्चों का उपलब्धि स्तर है उसको बढ़ावा मिलेगा। परिवर्तनकारी नेतृत्व सदैव बदलाव को अच्छा और लाभकारी मानता है, और इसी वजह से यहाँ विद्यालय प्रमुख की भूमिका को ऐसे बदलाव लाने की दिशा में प्रेरणादाता के रूप में देखा जाता है। विद्यालय की बेहतरीन और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बदलाव लाने की इस प्रक्रिया में
संगठन के अध्यापक, अन्य सदस्य एवं विद्यालय प्रमुख अथक प्रयासों से मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन तभी आ सकता है जबकि विद्यालय से संबंधित सभी तत्व आपस में मिलकर सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करें, तभी हम विद्यालय को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से नेतृत्व की एक भूमिका जो है सहयोगपरक नेतृत्व संरचना विकसित करना भी है। सहयोगपरक नेतृत्व संरचना विकसित करने से तात्पर्य सहयोगपरक अधिगम समुदाय निर्मित करने के लिए अन्य अध्यापकों में नेतृत्व विकसित करना और मिलजुल कर निर्णय लेना ही आज के समय में प्रधानाध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभरा है। साझे नेतृत्व से जवाबदेही के संबंध में उलझन भी नजर आती है। अर्थात सहयोगपरक नेतृत्व संरचना का अर्थ जो है कि जो भी अन्य अध्यापक हैं उनके साथ मिलजुल कर काम किया जाए, अर्थात विद्यालय से संबंधित अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अध्यापकों का चुनाव कर लिया जाए और वो अध्यापक भी अपने नेतृत्व में कुछ अन्य साथियों को लेकर उस कार्य को पूरा करें। इस तरह से जो भी कार्य किया जाएगा सहयोगिता की भावना को रखते हुए वह भी विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होता है और ऐसे कई उदाहरण जो है वो देखने को मिले भी हैं। फिर भी प्रधानाध्यापकों को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के अलावा दूसरे नेतृत्व संबंधी ऐसी क्षमता विकसित करनी चाहिए ताकि वह पथ प्रदर्शक और विद्यालय प्रमुख की ही भांति सोचे और उसके समतुल्य काम करने के योग्य बन सकें। और ऐसा कई विद्यालयों में और कई संस्थाओं में आजकल देखने को मिल रहा है कि हम अपनी एक दूसरी ब्रांच साथ साथ तैयार करते हैं ताकि उस प्रधानाचार्य या उस प्रमुख की अनुपस्थिति में भी विद्यालय की सभी जो क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें। और ऐसे में जो भी विद्यालय प्रमुख है वो पथ प्रदर्शक का काम करता है और पथ प्रदर्शक के काम करने के साथ साथ वह अपने समतुल्य लोगों के अंदर भी उसी की भांति सोचने की क्षमता का विकास भी करता है। अब हम कैसे जो हमारी विद्यालय संस्कृति है और मूल्य के लिए कैसे हम सहयोगपरक दलों का निर्माण करें जिससे कि हमारा जो विद्यालय की जो संस्कृति है, जो हमारी जो समाज की संस्कृति है वो आगे तक बढ़े। विद्यालय से क्या मतलब है? विद्यालय से तात्पर्य संस्कृति विशेष रूप से पढ़ाने और युवा मस्तिष्कों को प्रभावित करने वाले आधारिक मूल्यों के संदर्भ में विद्यार्थियों, अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों द्वारा इस संबंध में धारण किए गए विचारों से निहित है। रिपीट, इस संबंध में धारण किए गए विचारों में निहित है। इसमें सक्षम अधिगम परिवेश रचित करना भी शामिल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बाल केंद्रित जो शिक्षा है वही दी जा रही है, अर्थात बालक की सुविधाओं के अनुसार और बालक की आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षित किया जाए। तो हम कैसे एक सक्षम अधिगम परिवेश को बनाएंगे और कैसे हम उसकी रचना करेंगे, इसके लिए एक नेतृत्वकर्ता को अपने अध्यापकों के साथ मिलकर, अपने स्टाफ सदस्यों के साथ मिलकर और अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक सहयोगपरक दल का निर्माण करना होगा। तभी वह अपने नेतृत्व को सहयोगपरक दलों के निर्माण के साथ में क्रियान्वित कर सकेगा। इस प्रकार हम किसी भी सफल विद्यालय नेता के व्यक्तिक, नैतिक और शैक्षिक मूल्यों से चालित होते हैं और वे इनके महत्व को इनकी ओर कायल करके स्पष्ट करने योग्य होते हैं और वे इनके संस्थागत उद्देश्यों और दिशा की भी स्पष्ट समझ की रचना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में अपनी कर्तव्यनिष्ठा की झलक होती है। हम अपनी विद्यालय संस्कृति और मूल्यों को तभी बढ़ावा दे सकते हैं कि जबकि हम खुद कर्तव्यनिष्ठ हों। हम तभी अपने आगे के लोगों को चीज़ों को सिखा सकते हैं और उनको समझा सकते हैं जबकि हम खुद कर्तव्यनिष्ठ हों। और एक नेतृत्वकर्ता का विशेष गुण कर्तव्यनिष्ठता भी होती है। विद्यालय में नेतृत्व के प्रकार के अंतर्गत हमने ये जाना कि नेतृत्व का अर्थ क्या है, नेतृत्व कितने प्रकार का होता है और एक नेतृत्वकर्ता कौन कौन सी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। इन भूमिकाओं का निर्वहन करने के साथ में
कैसे जो नेतृत्व का गुण है वो पूरे विद्यालय के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, और जो ये नेतृत्व है उस पर, नेतृत्व पर ही विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि भी निर्भर करती है। एक विद्यालय प्रमुख के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने अंदर नेतृत्व के गुणों को शामिल करें और अपने नेतृत्व के गुणों का इस्तेमाल करते हुए अपने सभी स्टाफ सदस्य और अपने अध्यापकों के साथ मिलकर और अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक ऐसी विद्यालय की रचना करें जिसमें कि आज के संदर्भ में जो स्थापित मूल्य हैं हम उनको आसानी से प्राप्त कर सकें। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस परिचर्चा से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।